नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, देश में बेरोजगारों की संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। बड़े पैमाने पर नौकरियां नहीं होने के कारण अब अधिकतर युवा अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की तरफ अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जहाँ शहरों में पढ़ाई लिखाई करने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में जाकर युवाओं ने अपना फॉर्म खोला और उसे सफलतापूर्वक चला रहे हैं। जी हाँ, पिछले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर पशुपालन की तरफ लोगों की रुचि देखने को मिली है। इसी क्रम में बकरी पालन भी आता है, जिसे करके आजकल लोग अच्छी खासी आमदनी अर्जित कर रहे हैं। यही वजह है कि देश में बीते 5 साल में बकरियों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। आने वाले समय में इस व्यवसाय में बहुत ज्यादा लोगों के आने की अपार संभावनाएं दिख रही हैं। साथियों, बकरियां में बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, उन्हें में से एक प्रजाति है बीटल बकरी। यह नस्ल पंजाब और हरियाणा राज्यों में पाई जाती है, लेकिन ज्यादातर पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर और फिरोजपुर जिलों में पाई जाती है। बीटल बकरी मांस और डेयरी उद्देश्य दोनों के लिए तैयार की जाती है। इनकी टांगे लंबी, लटके हुए कान, छोटी और पतली पूंछ, पीछे की ओर मुने हुए, पूरी तरह से तैयार नर बकरी का भार 50 से 60 किलो और मादा बकरी का भार 33 से 40 किलो तक होता है। नर बकरी के शरीर की लंबाई लगभग 46 सेंटीमीटर और मादा बकरी के शरीर की लंबाई लगभग 71 सेंटीमीटर होती है और इसकी प्रतिदिन दूध की औसतन उपज 2 से 2.5 किलो और प्रति ब्यांत में 150 से 190 किलो दूध की उपज होती है। बीटल बकरी एक घरेलू बकरी है, इसे लाहौरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। बीटल बकरियों की नस्लों को ज्यादातर दूध और मांस के लिए पाला जाता है। बीटल बकरी की शुरुआत भारत के पंजाब शहर से हुई है। बीटल ज्यादातर पंजाब के उत्तरी राज्य में पाई जाती हैं। ये पाकिस्तान और भारत में काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। बीटल नस्ल जमुनापारी नस्ल से बनाया गया है। ये आमतौर पर जमुनापारी नस्ल से छोटे होते हैं। बीटल बकरी जमुनापारी बकरी और मालाबारी बकरी की तरह होती है। ये बड़े शरीर के आकार के साथ साथ एक अच्छी दूध देने वाली नस्ल मानी जाती है। इनके चारे की बात करें तो यह बीटल नस्ल सामान्य चराई के बजाय झाड़ियों, पेड़ के पत्तों और घास के शीर्ष पर ब्राउज करती है। बकरियों के चारे में हरी पत्ती का प्रयोग अवश्य करें, यह इनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। और साथ ही हम उन्हें ग्वार का भूसा, मूंगफली का भूसा आदि भी दे सकते हैं। वृक्षों के पत्ते पीपल, आम, अशोका, नीम, बेरी और बरगद के पेड़ इत्यादि बड़े छाव से खाती है और ऊपर चढ़ने वाले पौधे गोखरू, खेजरी, करौंदा, बेरी आदि भी इनको काफी पसंद आता है। और सूखा चारा की बात करें तो इस नस्ल की बकरियां टूनी, चने, अरहर और मूंगफली, संरक्षित किया चारा, हेय घास, फलीदार और गैर फलीदार पौधे, मिश्रित भोजन में इनको अनाज, बाजरा, ज्वार, जई, मक्की, चने, गेहूं, नारियल बीज की खल, सरसों की खल, मूंगफली की खल, अलसी, शीशम, गेहूं का चूरा, चावलों का चूरा आदि दिया जा सकता है। बकरी पालन शुरू करने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां नमी न हो और आसपास खुला मैदान हो, ताकि आप बकरियों को रोजाना हरा चारा खिला सकें। शुद्ध हवा और पीने के पानी की उचित व्यवस्था बकरी पालने और खाने पीने का खर्चा कम से कम हो और आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। मेमने का खुराकी प्रबंध की बात करें तो मेमने को जन्म के पहले घंटे में खीस जरूर पिलाएं। इससे इनकी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी। इसके अलावा खीस विटामिन ए, डी, खनिज पदार्थ जैसे कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम आदि का अच्छा स्रोत होती है। एक मेमने को एक दिन में 400 मिलीलीटर दूध पिलाना चाहिए, जो कि जन्म के पहले महीने से उम्र के साथ बढ़ता रहता है। ब्याने के बाद बकरियों की देखरेख बहुत ही सावधानी से करें। ब्यांत वाले कमरों को ब्याने के तुरंत बाद साफ और कीटाणु रहित करें। बकरी का पिछला हिस्सा आयोडीन या नीम के पानी से साफ करें। बकरी को ब्याने के बाद गर्म पानी में शीरा या शक्कर मिलाकर पिलाएं। उसके बाद गर्म चूरे का दलिया, जिसमें थोड़ी सी अदरक, नमक, धातुओं का चूरा और शक्कर आदि मिले हो, खिलाना चाहिए। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान, जय किसान।